हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स को हम लोग इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स जो है देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें जो है वेव ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वेव नेचर ऑफ लाइट हाइगेंस प्रिंसिपल। वेव नेचर ऑफ लाइट हाइगेंस प्रिंसिपल, तो इसमें जो है सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, तो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो लाइट होता है वो एक टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम कार्पस्कुलस बोलते हैं। देखिए, ये दिखाया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट वाज एज्यूम टू कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल कार्पस्कुलस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी होती है, और उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, कार्पस्कुलस कहते हैं। इसके बाद जो है इसमें यह बताया गया है कि एवरी लाइट सोर्स इमिट टीनी कार्पस्कुलस। ईच लाइट सोर्स जो होता है वो टीनी कार्पस्कुलस को इमिट करता है। कार्पस्कुलस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंट स्पीड विथ डिफरेंट मीडियम। जो कार्पस्कुलस होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और डिफरेंट स्पीड से मोशन करता है डिफरेंट मीडियम में। जैसे एयर में स्पीड अलग होगी, वाटर में स्पीड अलग होगी, तो जो कार्पस्कुलस होगा उसकी स्पीड मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब जैसा मीडियम रहेगा उस मीडियम में उसकी स्पीड उस तरह की होगी। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि कार्पस्कुलस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। इसके बाद है इसमें कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कुलस। अब ये भी बताया गया है कि जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स होती हैं, जैसे 7 कलर होते हैं, तो हर कलर का जो कार्पस्कुलस की जो साइज होगी वो डिफरेंट होती है। ईच डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कुलस। अब देखिए, ये जो थ्योरी है इससे क्या क्या एक्सप्लेन हो रहा है। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड, फर्स्ट जो एक्सप्लेन किया है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब ये बताया गया है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। दूसरा ये बोला गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया है, और थर्ड में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया गया है इसमें। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, किस किस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो हम लोग आगे एक चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जैसे दो लाइट वेव या दो जो वेव्स होती हैं वो चलती हैं अगर एक साथ, तो उनके जो प्रोपेगेशन से जहाँ पे वो मिलेंगी तो कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत मिनिमम हो जाती है। तो इस तरह से इंटरफेरेंस को अगर हम एक स्क्रीन पर देखते हैं तो डार्क और ब्राइट बैंड जो है एक क्रम में दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है इंटरफेरेंस में, नेक्स्ट चैप्टर में। डिफ्रेक्शन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डिफ्रेक्शन का मतलब यह है कि जैसे लाइट जो है किसी शार्प एज पे पड़ती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो इस ये भी एक चैप्टर है, इसको आगे जो है पढ़ना है। तो डिफ्रेक्शन भी हम यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके बाद जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये भी एक चैप्टर है, आगे इसको भी डिटेल में पढ़ना है। तो ये तीन चीज़ें जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस थ्योरी से। अब इसके बाद इसमें एक और थ्योरी है, हाइगेन वेव थ्योरी। देखिए क्या है, इसमें बोला गया है कि लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव विथ द वेलासिटी ऑफ लाइट। बोला गया है कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में चलती है और उसकी वेलासिटी क्या होगी, लाइट की वेलासिटी जो होती है वही होगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि वेव रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल।
वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है एक हाइपोथेटिकल मीडियम इन्होंने लिया है, जैसे कि हाइगेन इमेजिनेटेड ए, ये ए है, हाइगेन इमेजिनेटेड ए हाइपोथेटिकल मीडियम लुमिनिफेरस ईथर जो वेटलेस है। इस मीडियम को हाइगेंस ने इमेजिनेट किया है कि इस मीडियम में जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में चलेगी। अब देखिए, जो लुमिनिफेरस ईथर होता है, तो लुमिनिफेरस ईथर मीडियम हैव ऑल प्रॉपर्टीज, इसके पास सभी प्रॉपर्टी होती है नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, चलाने के लिए इसके लुमिनिफेरस ईथर में सभी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि लाइट ट्रेवल विथ वेरी हाई स्पीड, लाइट जो है बहुत ही हाई स्पीड से चलती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, हैंस द डेंसिटी ऑफ ईथर मीडियम इज वेरी स्मॉल, इसलिए ईथर की जो डेंसिटी होगी वो बहुत कम होती है। एंड इलास्टिसिटी इज वेरी लार्ज, इलास्टिसिटी जो है क्या होगी, बहुत ही अधिक होती है। इसके बाद हमको एक इसमें टर्म आएगा वेव फ्रंट, जो है वेव फ्रंट हमको देखना है। तो देखिए, वेव फ्रंट होता क्या है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ये मीडियम है, तो इस मीडियम में अगर हम एक कोई सरफेस इस तरह से ड्रा करते हैं और इस सरफेस में जितने भी पार्टिकल हैं सब सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट हों, मतलब कि सेम फेज में रहें, जैसे देखिए सारे पार्टिकल को हम सेम फेज में दिखा रहे हैं, तो सभी पार्टिकल जो है एक साथ ऊपर जाएं और एक साथ क्या हो, नीचे आए, मतलब कि सेम ऑसिलेशन हो, मतलब उनमें कोई फेज डिफरेंस न रहे, सभी पार्टिकल में फेज डिफरेंस मतलब एंगल का कोई डिफरेंस न रहे, जैसे जितने भी उस इस बाउंड्री के अंदर या इस सरफेस के अंदर इसमें जितने भी पार्टिकल हैं सभी जो है सेम फेज में ऑसिलेशन करें, मतलब कि एक साथ ऊपर जाएं एक साथ नीचे आए, कोई फेज डिफरेंस ना रहे। तो ये जो सरफेस है इस सरफेस को ही हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट बोलते हैं, इस सरफेस को ही क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए इस तरह का वेव फ्रंट है, ये ऐसे एक वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट जो है जैसे कि चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो वेव फ्रंट और ये जो प्रोपगेशन होता है, जैसे ये वेव फ्रंट हो गया, वेव फ्रंट हो गया, और ये जो चल रहा है जिस डायरेक्शन में जाता है, तो उसको हम ऐसे एक इस तरह से एरो से दिखाते हैं और इस एरो को बोलते हैं रे। तो वेव फ्रंट और जो रे होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वेव फ्रंट और जो रे होती है, मतलब कि ये जो वेव फ्रंट की जो चलने की डायरेक्शन है और जो वेव फ्रंट है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो प्रोपेगेशन हो रहा है जिस डायरेक्शन में उसको हम एक एरो से दिखाते हैं, उस एरो को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम फेज में है, तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो यही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ वी ड्रा ए सरफेस इन ए मीडियम, एक मीडियम में आप एक सरफेस ड्रा करिए, सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल लाइंग इन द सरफेस, इस तरह से ड्रा करना है कि जितने भी मीडियम पार्टिकल हैं वो उस सरफेस में आ जाएं, उस सरफेस में प्रेजेंट रहें, आर इन द सेम फेज और सेम फेज में रहें, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, जो उनका ऑसिलेशन है वो सेम फेज में रहे, तो देन द सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं। अब देखिए ये है कि ए लाइन ड्रा नॉर्मल टू द वेव फ्रंट गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड इट इज कॉल्ड रे। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रा करते हैं, ये जो है देखिए एक ऐसे हमने एक लाइन ड्रा किया हुआ है और इस लाइन को किससे डिनोट किए हैं,
रे से की है। ये लाइन क्या, ये लाइन डिनोट कर रही है कि इसी डायरेक्शन में जो वेव है, वेव फ्रंट है, वो मोशन कर रहा है। तो जो वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन है और वेव फ्रंट है उसके बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल जो है होता है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि पॉइंट है, जैसे वेव फ्रंट कैन बी डिफरेंट शेप। वेव फ्रंट जो है अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, फिर प्लेन वेव फ्रंट होता है, और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। सिलिंड्रिकल शेप का होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो अब इसके बाद इसमें एक हाइगेंस प्रिंसिपल हमको देखना है। हाइगेंस प्रिंसिपल, जैसे अभी हम लोग देखे थे हाइगेंस वेव थ्योरी, अब ये है हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या बोला गया है कि हाइगेंस प्रिंसिपल में स्टेट दैट, हाइगेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि फर्स्ट जो है, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू वेव सोर्स फ्रॉम विच फ्रेश वेव ओरिजिनेटेड। दीज वेव आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। तो इसमें ये बोला गया है कि जैसे वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे ये कोई वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे, ये सभी पार्टिकल जो है न्यू वेव फ्रंट के लिए एक सोर्स की तरह से काम करते हैं, और इन्हीं पार्टिकल से एक नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। तो यही बोला गया है कि वेव फ्रंट के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट में है कि वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक न्यू वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करते हैं, मतलब कि इन्हीं से एक नई वेव फ्रंट प्रोड्यूस होती है, ओरिजिनेट होगी, और उस नई वेव फ्रंट को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। जैसे जो है वेव फ्रंट से क्या प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यही पॉइंट इसमें बोला गया है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू वेव सोर्स। जो वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल हैं वो एक नए वेव के लिए सोर्स का काम करते हैं, फ्राम विच फ्रेश वेव ओरिजिनेट, जहाँ से एक नई वेव ओरिजिनेट होती है, और डीज वेव आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। अब देखिए जो सेकेंड पॉइंट में ये बोला है कि सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंडरी वेवलेट्स जो प्रोड्यूस होगी वो मीडियम में सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है विथ द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव, और इसकी जो सेकेंडरी वेवलेट की जो स्पीड होगी वो ओरिजिनल वेव के समान होगी इन द मीडियम। तो ये समझ गए हैं कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो है मीडियम में सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव। जो वेव फ्रंट की जो स्पीड थी उसी स्पीड से सेकेंडरी वेवलेट्स भी मीडियम में ट्रेवल करती है ऑल डायरेक्शन में। थर्ड में ये बोला गया है कि द इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स का जो इन्वेलप होगा, मतलब कि जो कवरिंग होगी, जो आउटर एरिया है सेकेंडरी वेवलेट्स का, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे गिव द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स का जो इन्वेलप होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स का जो इन्वेलप होगा, मतलब कि आउटर एरिया जो है किसी भी टाइम पे एक नए वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करता है, या नए वेव फ्रंट वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि मान लिया है कि लेट ए बी इज ए वेव फ्रंट
एट एनी इंस्टेंट इन ए मीडियम। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से एक ऐसे जो है ए बी जो है एक वेव फ्रंट है, ये ए है और ये बी है, और ये एक मीडियम में ऐसे जा रहा है। जैसे कि इस पे हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट हम ए ले रहे हैं, यहाँ का पॉइंट जो है बी ले ले रहे हैं, यहाँ का पॉइंट सी ले रहे हैं, यहाँ का पॉइंट जो है डी ले रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से ऐसे जा रहा है इस मीडियम में, आगे बढ़ रहा है इस तरह से ऑल डायरेक्शन में। अब ये जो है देखिए, ये जो वेव फ्रंट है ए बी, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी भी, और ये टी टाइम में कितनी डिस्टेंस तय करेगा। जैसे ये जो वेव फ्रंट है वो भी स्पीड से चल रहा है, मीडियम में भी स्पीड से चल रहा है, तो टी टाइम के बाद वो कितना आगे जाएगा। टी टाइम के बाद जो है वो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे जो वेव फ्रंट है उसकी स्पीड क्या है, भी है, भी स्पीड से आगे जा रहा है, और टी टाइम के बाद अगर हम ये निकालें कि वो कितना डिस्टेंस आगे गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि भी इंटू टी डिस्टेंस वो आगे जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भी और टी, भी इंटू टी रेडियस का एक ए जो पॉइंट हम लिए हैं ए बी सी डी, यहाँ पर भी इंटू टी रेडियस का एक स्फेयर बनाएंगे इस तरह से, जैसे ये इस तरह से एक स्फेयर बनाएंगे, इसकी रेडियस क्या होगी, भी टी, क्योंकि टी टाइम में ये भी टी डिस्टेंस आगे जाएगा, तो इसलिए हम भी टी रेडियस का एक ऐसे स्फेयर बनाएंगे। यहाँ भी इस तरह से एक भी टी रेडियस का स्फेयर बनाएंगे, सी पॉइंट पर भी एक ऐसे भी टी रेडियस का स्फेयर बनाएंगे, डी पॉइंट पर भी एक ऐसे भी टी रेडियस का स्फेयर बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो स्फेयर है इसका जो आउटर पार्ट है, जो फॉरवर्ड वाला पार्ट है, इसके ऊपर ऐसे एक टेंजेंट को हम इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट है यही जो है इनवेलप है, ये टेंजेंट ही क्या है, इनवेलप है, और यही इनवेलप से जो न्यू, इस इनवेलप से जो है नई जो वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और इसके जो बैकवर्ड, जैसे ये जो पीछे का अगर हम देखेंगे तो पीछे वाले पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, बैकवर्ड वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड वाले पार्ट को ही हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड वाले पार्ट से ही आगे जो वेव्स होती हैं वो बढ़ेंगी, पीछे वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं। तो यही यहाँ पे दिया था कि इनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। अब यहाँ पे जैसे कि लेट ए बी इज ए वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इन ए मीडियम, अभी हम लोग देखे हैं भी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, भी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो हमको निकालना था यहाँ पे फाइंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टी टाइम इंटरवल। तो अभी हम लोग ये फिगर में देखे ही हैं कि टी टाइम में वो भी टी डिस्टेंस आगे जाएगा, तो भी टी डिस्टेंस का हम जो पॉइंट ए बी सी डी माने हैं वहाँ पे भी टी डिस्टेंस का रेडियस, भी टी को रेडियस मान करके एक ऐसे स्फेयर बनाएंगे और उसका एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो इनवेलप दिखाएगा, वहीं से सेकेंडरी वेवलेट्स जो है प्रोड्यूस होती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग किए हैं वही इसमें लिखा है कि ए नंबर ऑफ पॉइंट ए बी सी आर टेकन ऑन द वेव फ्रंट ए बी। अभी हम लोग जो फिगर बनाए थे ए बी, उसमें हमने ए बी सी ऐसे पॉइंट लिए थे, तो ऑल दीज पॉइंट आर द ओरिजिन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं यहीं से सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट होंगी। और फिर क्या करते हैं, टेकिंग ईच पॉइंट एज सेंटर ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस भी टी, भी टी रेडियस का हम सर्किल ड्रा करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट है वो
वी टी डिस्टेंस आगे जाएगा, टी टाइम में वी टी डिस्टेंस वो आगे जाएगा, इसलिए वी टी रेडियस का हम एक सर्किल ड्रा करते हैं और फिर टेंजेंट जो है बना देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दीज सर्किल रिप्रेजेंट सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो सर्किल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेन ऑफ पेपर में। अब देखिए यहाँ पे है कि ए टेंजेंट ए डैश बी डैश इज द इनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जिसे अभी हम लोग जो बनाए थे तो इसमें एक ऐसे टेंजेंट, देखिए ये टेंजेंट होगा, ये जो है ये ए डैश होगा और इधर वाला जो है ये वाला टेंजेंट जो है ये यही क्या है इनवेलप है। तो यहाँ पे है कि ए टेंजेंट ए डैश बी डैश इज द इनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एंड गिव द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, और यही जो है नए वेव फ्रंट की पोजीशन को बताते हैं आफ्टर आफ्टर द इंटरवल टी। तो ये था हाइगेंस प्रिंसिपल जो है। हाइगेंस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जो वेव्स होती हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं, किस तरह से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं बनती हैं। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि एक लर्न करने वाला एक पॉइंट है, इसमें है बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे जो प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर देखना है कि वो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरह की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी, या रिफ्रैक्शन के बाद किस तरह की वेव्स जो है प्रोड्यूस होंगी, तो इसको हमको देखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि हम लोग ये कुछ एग्जांपल से ऐसे लिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है प्लेन है, प्लेन जो वेव फ्रंट है वो जैसे जो इंसिडेंट हो रहा है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है प्लेन है, और मीडियम कैसा है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट होने के बाद वेव फ्रंट जो बनेगा वेव फ्रंट आफ्टर या तो वो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों केस में जो वेव फ्रंट जो इसमें बनता है वो प्लेन ही बनता है, वो प्लेन ही प्लेन वेव फ्रंट जो है बनेगा। मतलब यह है कि जैसे कोई वेव फ्रंट जो है कोई प्लेन वेव फ्रंट अगर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होगा प्लेन होगा। इसी तरह से अगर जो प्लेन वेव फ्रंट है वो अगर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो वेव फ्रंट जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या आएगा प्लेन ही आएगा। अगर प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रहा है प्लेन वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा प्लेन होगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है प्लेन वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या बनेगा स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा। अगर कॉनकेव लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है प्लेन वेव फ्रंट तो इस केस में वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या बनेगा स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनता है। और कॉनकेव मिरर पे अगर इंसिडेंट हो रहा है प्लेन वेव फ्रंट तो इस केस में स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ऑब्टेन होता है प्राप्त होता है। तो ये जो है कुछ एग्जांपल था जिसको आपको मतलब याद रखना है कि इसमें अगर इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट इस तरह के मीडियम पे इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किस तरह का वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा। तो ये था इसमें। तो
स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।